हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में सोमवार से लापता हुई 15 साल की लड़की का शव आखिरकार कल दोपहर कल्याणी नदी से मिला। करीब 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने नदी से लड़की के शव को खोज निकाला। लड़की के शव मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा आखिर ये क्या हो गया, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। परिजनों ने बताया कि मृत लड़की 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मिली जानकारी के मुताबिक फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र गांव अख्तियारपुर के रहने वाले राजकुमार की 15 साल की बेटी अंजलि सोमवार सुबह घर से सरसों बेचने और बैंक में पासबुक में एंट्री कराने के लिए निकली थी। काफी देर हो जाने के बाद भी जब अंजलि घर वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। काफी देर तक खोजने के बाद परिजनों को अंजलि की साइकिल, झोला, पासबुक, 120 रुपए और दुपट्टा कल्याणी नदी पुल के पास मिला। परिजनों ने तुरंत ही किसी अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की एक टीम बुला अंजलि की खोजबीन शुरू कर दी। कई घंटों की तलाश के बाद भी अंजलि का कुछ पता नहीं चला, वहीं रात हो जाने पर सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। मंगलवार सुबह फिर से पुलिस ने 5 स्थानीय लोगों और 5 गोताखोरों को बाहर से बुलाकर अंजलि की खोज शुरू की। काफी देर खोजने के बाद पुलिस ने करीब 11:30 बजे अंजलि के शव को खोज निकाला। एसओ अमनीश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंजलि का शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं थी, घटना का क्या कारण है वो ये नहीं बता सके। नदी से अंजलि का शव बाहर निकालने के बाद पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो अंजलि के पास से 2 कीपैड मोबाइल बरामद हुए। पुलिस घटना की वजह जानने के लिए दोनों फोन को कब्जे में लेकर उनकी सीडीआर निकलवा रही है। पुलिस कह रही है कि वो पूरे मामले की जांच कर रही है। संवाददाता अजय द्विवेदी की रिपोर्ट, उन्नाव, यू न्यूज़, यूपी।